बच्चों आज हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। हमने इसमें एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी हाइट 1 मीटर है एंड बेस डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट। हाउ मैनी स्क्वेयर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। इसको बनाने के लिए जो हमें कितने स्क्वेयर मेटल शीट चाहिए वो हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन, गिवन डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक 140 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक आर इज इक्वल टू 140/2। तो 2 से हमने 140 को डिवाइड किया 70 सेंटीमीटर। अब 70 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें हाइट जो है 1 मीटर गिवन है। 70/100, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, 7/10 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज एच इज इक्वल टू 1 मीटर। नेक्स्ट है टोटल सरफेस, हमने इसमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का 2πr इंटू एच प्लस आर। देखिए 2 × 22.7 × 7/10 इंटू एच, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1 मीटर प्लस रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 7/10। तो 7 से 7 कैंसिल हो गए, 2 × 22 = 44/10। सो हमने इसका टेकिंग एलसीएम 10, सो 1 × 10 = 10 + 7, 44/10 इंटू 17/10 मल्टीप्लाई करेंगे, 17 × 4 = 68 कैरी 6, 74 = 68 + 6 = 74, 748/100, 0.2 डिजिट के बाद लगेगा 7.48 मीटर स्क्वेयर। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड मेटल शीट इज इक्वल टू 7.48 मीटर स्क्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। मेटल की पाइप जो है 77 सेंटीमीटर जो है लॉन्ग है, दैट इज हाइट जो है एच से डिनोट करेंगे हम लेंथ को। द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, और जो इसका इनर डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर है और आउटर डायमीटर इज 4.4 सेंटीमीटर। तो हमें फर्स्ट पार्ट में बोला कि इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, सेकंड में आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, थर्ड में टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हमें लास्ट में जब टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा तो हमें ये जो सिलेंडर दिए इसमें 2 एजेस बनेंगी, 2 एजेस के बीच का हमने जो है एरिया ऑफ 2 एजेस फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ से। तो कैसे फाइंड आउट एरिया ऑफ एजेस, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, 2 × एरिया ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस एरिया ऑफ इनर सिलेंडर, क्योंकि हमारे पास 2 जो है सर्कुलर एंड है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, दिस इज अ मेटल पाइप एंड लेंथ ऑफ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर और हमें इसमें डायमीटर दिया हुआ है, जो इनर डायमीटर इसका जो है इनर डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर यहाँ से यहाँ तक जो इसका डायमीटर होगा वो होगा 4.4 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर जो इनर रेडियस क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका हाफ 2 सेंटीमीटर और आउटर रेडियस आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। सो गिवन लेंथ ऑफ पाइप एच इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे, हमें इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। सो इनर डायमीटर ऑफ पाइप इज 4 सेंटीमीटर, देयरफॉर इनर रेडियस ऑफ पाइप इज आर इज इक्वल टू 4.22 सेंटीमीटर। सो इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ इज इक्वल टू 2πrh, सिलेंडर का जो इनर कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrh, 2 × 22.7 × 2 × 77 डिवाइड करेंगे 7, 11 = 77, जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 968, 88 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 968 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सेकंड पार्ट है आउटर कर्व सरफेस एरिया हम फाइंड आउट करेंगे इसका। सो आउटर डायमीटर ऑफ पाइप इज 4.4 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस ऑफ पाइप इज 4.4/2.2 सेंटीमीटर एंड आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πrh। अब देखिए कैपिटल आर लिया हमने क्योंकि आउटर रेडियस जो है हमने कैपिटल आर से नोट किया है। सो इज इक्वल टू 2 × 22.7 × 2.2 × 7.7 7 सॉरी इंटू 77 7
से जब हम 77 को डिवाइड करेंगे, 7 11 77, तो 44 इंटू 2.2 इंटू 11। देखिए हमने मल्टीप्लाई किया 44 को 11 से, तो ये आ जाएगा 968। फिर इसको हमने अगेन जब इसको किया है 2 से, तो 968 टोटल 10648। सो पॉइंट वन डिजिट के बाद लगा, पॉइंट्स हमने वन डिजिट के बाद लगा लिया। सो 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वेयर आउटर कर्व सरफेस एरिया इज 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। थर्ड पार्ट है एरिया। अब हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इसके पहले हमें जो है एरिया ऑफ टू एजेस के बीच में फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ टू एजेस ऑफ पाइप, सो 2 इंटू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, सो पाई आर स्क्वेयर माइनस पाई आर स्क्वेयर। सो 2 पाई टेकिंग कॉमन, सो आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर 2 इंटू 22.7 कैपिटल आर स्क्वेयर 2.2 का होल स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 22 से, तो 4.2.2 इंटू 2.2 4.84 माइनस 4। जब हमने मल्टी इसको 44.7 सब्ट्रैक्ट किया 0.84, 7 से करेंगे 7 0 7 1 7 7 2 14। सो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5.28 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास पाइप का, इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया बिटवीन टू एजेस के बीच का एरिया। सो इनर कर्व सरफेस एरिया हमारे पास 968 प्लस 1064.8 आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया बिटवीन टू एजेस 5.28, सो 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वेयर। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप इज 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो बच्चों हम कल नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, थैंक यू।